हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान में। अगर आप लाइव क्लास करना चाहते हैं तो लाइव क्लास 7:30 बजे के बाद ली जाती है। ये आपका रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है। तो अभी मौसम बहुत ही ख़राब है, बारिश हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, हम क्लास भी लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है ना। सहकारिता विभाग में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और हॉस्टल वाड़ाना और भी वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करके रख लीजिएगा। तो आज की जो क्लास होगी, सबसे पहले छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं नदियां एवं झील से, जो कि एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है, चाहे व्यापम, पीएससी, एसएससी, है ना, सभी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। जैसे आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कितना सारा है, अभी यहाँ पर देखिए व्यापम, पीएससी, सभी व्यापम, पीएससी, व्यापम, पीएससी वाला है, आ रही है, पटवारी है, हॉस्टल वार्डन है, सभी के सभी एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन करते हैं, है ना, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के नदियाँ वगैरह से, जलप्रपात वगैरह से, सारी के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। देख सकते हैं कितना सारा क्वेश्चन पूछा गया है आपको, व्यापम है, पीएससी है, 17-18 फूड इंस्पेक्टर है, ये सभी के सभी आपको, हॉस्टल वार्डन है, सहकारिता विभाग, सभी एग्जाम, अपेक्स बैंक बैंक की तैयारी कर रहे हैं ना, तो 10 नंबर के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देख के जाना, पहली बार रहें तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास, है ना। तो चलिए यहां से छत्तीसगढ़ की नदियां से, तो नांद घाट किस नदी के किनारे स्थित है, आपके CGPSC CMO 2019 में पूछा गया है। तो इसका आंसर आ जाएगा शिवनाथ नदी। कौन सा है? शिवनाथ नदी। एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा हो गया था लाइट, है ना। और हसदेव नदी के किनारे कौन सा जिला है, तो यह आपको महिला पर्यवेक्षक 2009 में पूछा गया है, और हाल ही में महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ है, उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसका आंसर कोरबा होगा। ताला गांव किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपका मन्यारी नदी। क्या है? मन्यारी। रायपुर किस नदी के किनारे बसा है, तो रायपुर आप सभी को मालूम होगा, रायपुर जिला वो खारून नदी के किनारे बसा हुआ है। रायपुर के प्रसिद्ध मेला, ये देखिए रायपुर का जो प्रसिद्ध मेला है कौन से नदी के किनारे पर लगता है, तो एक ही नदी है आपका, खारून नदी, ठीक है। ये आपके हॉस्टल वाडा ने 2014 में पूछा गया था। हसदेव के तट पर स्थित है सीजी व्यापम RI, यानी कि 2014 में पूछा गया था। इसका आंसर होगा चांपा। जगदलपुर के किस नदी के किनारे स्थित है, CGPSC 2016 में पूछा गया था, इंद्रावती नदी। श्रीनाथ नदी के किनारे स्थित जो शहर है आपका, व्यापम 2014 में पूछा गया है, दुर्ग, राजनांदगांव और भिलाई, ठीक है। अब आप बताइएगा कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जल मार्ग किस नदी पर है, सबरी नदी, CGPSC 2013 में। कलमा बांध किस नदी पर निर्मित है, ये आपका महानदी पर, सीजी व्यापम 2017 में। याद रखना, जितने भी विगत वर्षों से प्रश्न आते हैं ना, वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। पहली बार आए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, हमारा परफॉर्मेंस कैसा लगता है कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है। तो यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वीडियो को देख कर जाना। छत्तीसगढ़ में जो स्थित है गंगरेल बांध का अन्य नाम क्या है, तो रविशंकर बांध है, ये भी व्यापम 2017 में पूछा है। और कौन सा बांध है जो मिट्टी से बना होता है, है ना, तो आपका खरखरा बांध। याद रखना, ऐसा बांध है जो हमारे छत्तीसगढ़ में बांध बना है, खरखरा। फूड इंस्पेक्टर 2008 में पूछा गया था। और छत्तीसगढ़ के सबसे पुराना बांध है रुद्री बैराज बांध, यानी कि रुद्री बांध, है ना। तो खूटाखाड़ बांध किस नदी पर स्थित है, तो खारंग नदी। किस नदी पर मिनी माता परियोजना है, तो हसदेव नदी, ठीक है। अब इसके बाद हम वन लाइनर क्वेश्चन तो कर चुके हैं, अब थोड़ा से 5 से 10 क्वेश्चन यहाँ से कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको मैं बता दिया हूँ, बांगोवाल हसदेव बैराज बांध कोरबा जिले में, ये आपके एग्जाम में अभी पूछा गया था, क्या बोलते हैं, 2023 के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, फरवरी या मार्च में हुआ था, और लेबर इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में हसदेव बैराज है, जो आपको कोरबा जिला है, है ना, वही आएगा। पटवारी में भी पूछा गया है, देखिए कितना सारा क्वेश्चन पूछा गया, CGPSC में 2017 में, और व्यापम के पटवारी में पूछा गया है, और अभी 2023 में आपका लेबर इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में पूछा गया है, है ना। तो वही प्रश्न लेकर आते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सोन नदी आपका आएगा, कौन सा रिहंद नदी किनारे सहायक है, तो सोन नदी आएगा, है ना। तो आपको नदी वगैरह से क्वेश्चन कराया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा। चलिए अब छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, महानदी है, जो कि कितना किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, कमेंट करके बताइएगा, CGPSC 2013 में पूछा गया है। तो इसके लिए देखिए मैं आपको थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ, यहाँ से देखते चलिएगा, आपको नक्शा भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखिए
छत्तीसगढ़ की गंगा आपका जीवन रेखा और सबसे लंबी नदी महानदी है जो कि 858 किलोमीटर है, लेकिन एग्जाम में पूछ ले जाएगा बेटा छत्तीसगढ़ में तो 286 किलोमीटर। याद रखना, छत्तीसगढ़ की गंगा यानी कि जीवन रेखा भी किसी को कहा जाता है, महानदी को, लेकिन अगर पूछा जाए पूरा छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा तो महानदी 858, लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर बहती है पूछा जाए तो 286 है। पूरा देश में मतलब भारत में हमारा 858 है जबकि छत्तीसगढ़ में 286 है। बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती नदी, इसका प्राचीन नाम है मंदाकिनी नदी। एग्जाम में पूछता है, एक बार पढ़ लीजिएगा। अब सरगुजा की जीवन रेखा आप सभी को मालूम होगा, वो आपका रिहन नदी है। प्राचीन नाम रेंड, वर्तमान में इसकी सहायक नदी भी रेंडा नदी के नाम से जाना जाता है। अब पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली और सबसे लंबी नदी, तो शिवनाथ नदी है 290, ठीक है। जबकि छत्तीसगढ़ के सबसे प्रदूषित नदी पूछा जाए यानी कि संखनी नदी यानी कि दंतेवाड़ा। भारत का नियाग्रा यानी कि चित्रकूट जलप्रपात सबसे चौड़ा जलप्रपात है, 300 फीट चौड़ा, ठीक है। आपको नक्शा मैं आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ, देखिए जो नक्शा है आपका ये मिनट, यहाँ से थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, एक मिनट ना, ये वाला, ये देखिए जो नर्मदा नदी आपको दिखाई दे रहा है, ब्राह्मणी नदी दिखाई रहा है, महानदी, ये आपका 858 किलोमीटर है पूरा में, और जबकि छत्तीसगढ़ में अगर पूछा जाए तो 286 किलोमीटर, ठीक है। अगर शिवनाथ नदी पूछा जाए तो 290 किलोमीटर, इतना याद रख लेना बस। चलिए अब देखते हैं यहाँ से कि छत्तीसगढ़ से आभनेर मुस्कैम पिपरिया नदियों का संगम है, तो आप सभी को मालूम होगा खैरागढ़ ऑप्शन बी होगा। और इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल है कालाहांडी यानी कि वो आपका उड़ीसा, याद रखना एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सभी प्रश्न आपके व्यापम में पूछे गए हैं। सर लाइव क्लास, अच्छा लाइव क्लास आपको बताया ना, कल लाइव क्लास लेना था लेकिन बगल में बहुत ही साउंड वाला प्रोग्राम चल रहा था तो इस कारण हम लाइव क्लास नहीं ले पाए। ले भी है लाइव क्लास लेकिन उसको मैं प्राइवेट कर दिया हूँ, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आज होगी लाइव क्लास 7:30 बजे, अगर पानी नहीं गिरा तो, अगर मौसम ख़राब नहीं रहा तो हम लाइव क्लास लेंगे 7:30 बजे आज, ठीक है। तो दुधावा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया, तो महानदी, आप सभी को मालूम होगा जो दुधावा जलाशय है महानदी। और मनियारी नदी की सहायक नदी आप सभी को पता है शिवनाथ नदी है ना। मनियारी नदी तालागांव वाला आप सभी को मालूम है, तालागांव क्यों प्रसिद्ध है, देवरानी जेठानी के लिए आप सभी को मालूम ही होगा। तांदुला नदी का उद्गम स्थल है कांकेर जिला। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा आप सभी को मालूम है सिहावा पर्वत, कहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलती है जल्दी से कमेंट करके बताएं, कहाँ से निकलती है सभी के लोग कमेंट करके बताएं जितने भी जुड़ चुके हैं या फिर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, है ना। ऐसी वीडियो और चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा डिस्क्रिप्शन के नीचे, है ना। और ये भी बताइएगा कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करें, हॉस्टल बाडल सहकारिता विभाग या RI, कौन से भी एग्ज़ाम की तैयारी करें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। फिलहाल तो यह छात्रावास व्यापम की क्लास के लिए है जो कि छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान एग्जाम में पूछे जाते हैं 10 से 15 नंबर, है ना। तो अब आज राजपुरी जलप्रपात है आपका जसपुर में, जो राजपुर है आपका, राजपुरी आपका जसपुर में। चित्रकूट प्रपात बस्तर जिले में है इंद्रावती नदी वाला। और छत्तीसगढ़ राज्य की कौन सी नदी है जो रायपुर और जांजगीर चांपा जिले की सीमा को निर्धारित करती है, महानदी। महानदी ऐसा नदी है जो रायपुर जांजगीर चांपा ये सब आपका पूरा आ जाएगा। चलिए निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा क्रम है जो दक्षिण से उत्तर की ओर, देखिए दक्षिण से ये आपका नीचे दक्षिण है ये आपका उत्तर है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर महानदी के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थित है CGPSC 15 में पूछा गया है, तो राजिम, सिरपुर, पलारी, सूर्यनारायण। सबसे नीचे में देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे नीचे में आपका आ जाएगा राजिम। राजिम के बाद आपका थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आपका सिरपुर आएगा, सिरपुर से थोड़ा ऊपर जाओगे तो आपका पलारी आ जाएगा, पलारी बलौदा बाजार वाला, फिर थोड़ा ऊपर जाओगे तो आपका सूर्यनारायण यानी कि जांजगीर चांपा, ठीक है। छत्तीसगढ़ के सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में, जबकि बहने वाली नदी छत्तीसगढ़ में बहने वाली नदी पूछा जाए तो शिवनाथ नदी। महानदी है आपका 858 पूरे देश में जबकि छत्तीसगढ़ में आपका 286 है ना।
और इंद्रावती किसकी सहायक नदी है कमेंट करके बताइए। सूखा किस नदी की सहायक नदी? जोंक नदी जो कि महानदी में स्थित है, सूखा आपका है ना। और राज्य का सबसे चौड़ा एवं सर्वाधिक जलप्रपात? चित्रकूट जलप्रपात है सबसे चौड़ा जलप्रपात है ना। और पानी डोंगरी आप सभी को मालूम है, ये आपका तेल और पैरी। मध्य महानदी बेसिन महानदी, जो बेसिन महानदी है तो कौन सी है, किसकी सहायक नदी? शिवनाथ नदी की है। एग्जाम में पूछा जाए बेटा छत्तीसगढ़ राज्य में है ना ओडिशा के मध्य, ओडिशा के बीच में जो जल बंटवारा को लेकर नदी पर विवाद चल रहा था वो आपका इंद्रावती नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है? इंद्रावती नदी। हिंदी की क्लास भी लेंगे, हिंदी की क्लास लेंगे 7:30 से 8:30 के बीच में, और रिकॉर्डेड क्लास 2 बार अपलोड किए जाते हैं हमारे यूट्यूब पर। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, अन्यथा स्किप करके चले जाना। ओके, अब देखिए केंदई जलप्रपात है आपको कोरबा जिला, केंदई से कोरबा याद रखना। तीरथगढ़ का जलप्रपात जो गुरु है आपका महादेव घूमर जलप्रपात। बस्तर संभाग में 2 भागों में विभक्त करने वाली नदी इंद्रावती नदी, जो बस्तर संभाग है आपका नीचे में है ना, उसको विभक्त कर देती है, अलग अलग कर देती है आपका जो नदी है उनको, वो है आपका इंद्रावती नदी। चित्रकूट जलप्रपात का कारण क्या है? तो चौड़ा जलप्रपात है, सीधी सी बात है ना। और निचला महानदी बेसिन दुर्गा आता है, कौन सा जिला नहीं आता है तो दुर्गा। कोंडा गांव किस नदी के पर तट पर स्थित है? ये नारंगी आएगा, जो कोंडा गांव है ना, नारंगी नदी, जो कि आपका पीएससी 2016 में पूछा गया है। कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? नर्मदा नदी है, आप सभी को मालूम है डायरेक्ट, जो पश्चिम दिशा से बहती है। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है, नर्मदा नदी। दूसरा क्वेश्चन है कि पश्चिम में बहती हुई नदी है ना, जो गुजरात से आती है, गुजरात से गिरती है नर्मदा नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो अब घबराना नहीं है, नर्मदा नदी। और अमृत धारा जलप्रपात है तो हसदेव वाला। अब पाना बरस की पहाड़ी शिवनाथ नदी है, आप सभी को मालूम है अंबागढ़ चौकी वाला। और महानदी की सहायक नदी सबरी नदी है। बहुत सारी नदियाँ हैं दोस्तों, मैं उसका क्लास लेकर आऊँगा, महानदी की उत्तर की ओर सहायक नदी, दक्षिण की ओर सहायक नदी है ना। तो ऐसा करते हैं आज हम नदी वगैरह क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या? चलिए आज रात 7:30 बजे नदियों से कुछ क्वेश्चन करेंगे है ना। तो महानदी की सहायक नदी है, और देखेंगे अगर टाइम मिल जाता है तो कुछ क्वेश्चन कर लेंगे लाइव क्लास में है ना, नदी वगैरह से कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, महानदी वगैरह से। चलिए 2 क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद खत्म। तो प्राचीन समय में चित्रपल्ला के नाम से जाना जाता है महानदी है। और किस नदी में रेत के कण यानी कि सोने के कण पाए जाते हैं? इब नदी। 1 क्वेश्चन और कर लेते हैं 30। बैलाडीला की जो पहाड़ी है दंतेवाड़ा से निकलती है सबरी। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। 30 क्वेश्चन हमने किए हैं और 1 लाइनर क्वेश्चन किए हैं। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो रात 7:30 बजे लाइव क्लास में आ जाना, और मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको 299 रुपये पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को